इच्छा, आशा, अपेक्षा, आकांक्षा, यही सब मानव समाज के चालक होते हैं। नहीं, यदि कोई आपसे पूछे कि आप कौन, तो आपका उत्तर क्या होगा? विचार कीजिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि आपकी इच्छाएं ही आपके जीवन की व्याख्या है। कुछ पाने से मिली सफलता, कुछ ना पाने से मेरी निष्फलता ही आपका परिचय। अधिकतर लोग ऐसे जीते हैं कि स्वयं भीतर से मरते रहते हैं, किंतु अपनी इच्छाओं को नहीं मार पाते। इच्छाएं उन्हें दौड़ाती हैं जिस प्रकार मृग कृष्णा मृग को दौड़ाती है, परंतु इन्हीं इच्छाओं के गर्भ में ही ज्ञान का प्रकाश भी। कैसे? जब इच्छाएं अपूर्ण रहती और टूटती, तब वहीं से ज्ञान की किरण प्रवेश करती है मनुष्य के हृदय। ये कथा नहीं है केवल इच्छाओं के संघर्ष की, नहीं है केवल महत्वाकांक्षाओं से जन्म लेने वाले भयावह रक्तपात। ये कथा है इच्छाओं के गर्भ से उदित होते हुए ज्ञान की। वासुदेव कृष्ण, आप सभी को निमंत्रण देता हूं इस यात्रा पे चलने का, जो जीवन का मर्म सिखाएगी, मनुष्य का धर्म सिखाएगी, कीचड़ से उठकर कमल बनने का कर्म सिखाएगी। और इस यात्रा का नाम है महाभारत।